कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि गुना जिले में रविवार को 387 केंद्रों पर 34,180 लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जा रहा है, तो वही नगर में शॉपिंग मॉल पर भी अब बगैर टीके के प्रवेश वर्जित किया गया है, जिसके तहत नगर में विशाल मेगा मार्ट व रिलायंस मॉल एवं पाकिजा मॉल में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। श्री जैन ने शॉपिंग मॉल पर आए ग्राहकों को टीके के दोनों डोज का महत्व बताते हुए प्रेरित किया और उनको टीका लगवाया। साथ ही नगर में छुटे हुए व जिनका दूसरा डोज की समयावधि आने पर बाट 6, 11, 22, 28, 32, 34 व 36 में बार बार घर घर जाकर लोगों को टीका लगाए जा रहे हैं। श्री जैन ने बताया कि जिले में टीकाकरण का आंकड़ा 12 लाख के पार हो गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने उत्कृष्ट सेवा कार्य करते हुए आज दिनांक तक 12,17,000 लोगों का टीकाकरण कर इस उपलब्धि को हासिल किया है, तो वही समय पर दूसरे डोज नहीं लेने वालों ने चिंता बढ़ा दी है। जिले में ऐसे 2.25 लाख लोगों ने अपनी बारी आने पर दूसरे डोज का टीका नहीं लगवाया, जिसमें गुना में 45,982, आरोन में 36,335, भदौरा ब्लॉक में 25,759, बमोरी में 25,037, विनागंज में 47,582, राधोगढ़ में 44,664 टोटल 2,25,353 लोगों ने अभी तक दूसरा डोज का टीका नहीं लगवाया है, जिनको पहला टीका लगवाए 3 माह से अधिक हो गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनको बार बार फोन लगाए जा रहे हैं एवं मैसेज द्वारा सूचना दी जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तो वही गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा टीकाकरण के दूसरे डोज को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक कर रहे हैं और लोगों को समय पर दूसरे का टीका लगाया जाए, जिसके लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इससे पहले राशन दुकानों पर हितग्राहियों को जो राशन प्राप्त करते हैं उनको दोनों डोज का प्रमाणीकरण दिखाने पर ही राशन सामग्री प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेट्रोल पंप पर भी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिन लोगों के दोनों डोज लग गए हैं उन्हीं को पेट्रोल। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाया जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत आज जिले में रविवार को भी टीकाकरण किया जा रहा है। मैं जिलेवासियों से आग्रह करता हूँ कि आप टीका अवश्य लगवाएं। जिले में अभी 2,25,000 से अधिक लोगों ने दूसरा डोज का टीका नहीं लगवाया, जो लापरवाही बरत रहे हैं, इसके लिए प्रशासन भी सख्त हुआ है। उन्होंने राशन दुकानों पर और अन्य सरकारी योजनाओं हितग्राहियों को रोक लगा दी है और आगे भी अन्य चीज़ों पर रोक लगने वाली है। इसलिए मैं सभी जिलेवासियों से आग्रह करता हूँ कि आप कोरोना टीका के महत्व को समझें और टीका अवश्य लगवाएँ।